दर्द रोज की तरह। मैंने तो तुझे अपनी बहू बनाने का सोच रखा है। है? कासिम से? अब तुम लोगों से छोटी की पहले शादी हो रही है, तुम लोग घर में बैठोगे तो जलेगी तो सही नहीं है। कोई बात नहीं, तू पागल हो गई है, जो मुंह में आता है बकना शुरू कर देती है। पुप्पी जान की बहू अभी बनी नहीं और उन जैसी बातें से शुरू कर दी है, बक बक कर रही है। अगर नजमा ने रुख्सती नहीं ली तो हम खानदान में ये मुंह किसको दिखाएंगे? मम्मी अगर नजमा ने रुख्सती नहीं ली ना तो मैं अपना सामान बांध के खुद उस घर में चली जाऊंगी। और आप सबसे कह दीजिएगा कि इशरत की मौत की वजह से सब कुछ बहुत सादगी में हो गया है। ये दर्द रोज की तरह। पुत्र रोटी लाया। डॉली रोटी खत्म हो गई। ये लीजिए पप्पा जान, आटा खत्म हो गया है। डॉली इसमें बोटिया तो ले आ। सॉरी बोटिया क्या तू ही खा जाएगा? हाय अल्लाह डॉली, क्यों नजर लगा रही है तू मेरे बेटे को? हाँ खाने दे उसको, खा रहा है तो पहले ही देख तो सही कैसे सूख के टांडा हो गया। और ये इस घर का दामाद है, होने वाला दामाद के साथ ऐसे नहीं सलूक करते। पुप्पी जान अभी तक पूरे घर में किसी ने खाना नहीं खाया, बाकी सबको क्या दूंगी? अरे तो अंडे तल दीजियो ना, नजर क्यों लगा रही है? वैसे भी इस घर में सोग है, सोग में भूख थोड़ी लगती है। हमारा कोई सोग वोग नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी बहन अपने घर को हो गई, हम तो जश्न मनाएंगे। तौबा तौबा तौबा, और सुन रही है तू अपनी भतीजी की बातें? शर्म तो जैसे सत्तू में घोल कर पी गई है ये। बहन घर से भाग के निकाह कर रही है और ये जश्न मना रही है। पप्पा जान ये घर की बात घर में ही रह जाए तो अच्छा है, अगर बाहर निकली ना तो सबको पता चल जाएगा कि आप पेट के कितने हल्के हैं। अच्छा बस बस ज्यादा बातें ना कर, सालन लेकर आ। अम्मी आप परेशान ना हो, अब्बू आ जाएंगे। मैं गुड्डू से कहती हूँ पता करे अब्बू का। इतनी देर से तुम्हारे अब्बू ने बेटा कभी भी नहीं लगाई है। भाभी जान अरे मैं क्या सुन रही हूँ, बशारत भाई जान कहाँ चले गए? अरे आए क्यों नहीं अभी तक घर? पता नहीं बेटा, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कहाँ गए। जान आप टेंशन ना ले, गुड्डू जा रहे हैं ना, देख लेगा। क्या हो रहा है हमारी जिंदगी के साथ? एक दिन खुशियां मिलती हैं, दूसरे दिन खुशियां हवा में बिखर जाती हैं। कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा तब भी। सुषमा आंटी ने तो सारे इल्जाम मुझे पर डाल दिए। वो मुन्ना भाई से क्यों नहीं पूछती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? पूछे तब जब वो किसी का सामना करे। कमरे में बंद कर रखा है उसने अपने आप को, और वो कमरा सिर्फ मम्मी ही खोले। हाँ पप्पू,
हाँ गुड्डू, कुछ पता चला बशारत खालू का? अरे नहीं यार, मैंने तो मस्जिद के बाहर भी देख लिया और दुकान के पास, कुछ पता नहीं चला खालू का। उनके दोस्तों की तरफ पता किया? हाँ, दो तीन के पास देख कर आ चुका हूँ और दो रह गए, उनके पास जा रहा हूँ बस। अच्छा ठीक है, जैसे ही पता चले सबसे पहले मुझे बता। हाँ बता दो। ओके, क्या हुआ? नहीं पता चला। अभी वो उनके दोस्तों की तरफ नहीं गया। अभी परेशान मत हो, पता चल जाएगा। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? चुप हो जाओ। मेरा भाई मुंह से कुछ भी नहीं बोला, चुप रहा, बिल्कुल ही बोला, सब कुछ अपने ऊपर सहता रहा। आपने, भाभी जान आपने और आपकी बच्चियों ने मिलकर मेरे भाई को मार दिया। क्या हो गया भूपी जान आपको? क्यों इस तरह की बातें कर रही है? इससे पहले भी अबू एक दो बार लेट हुए, कुछ नहीं होता, हमें डराए ना, इस तरह बुरी बातें ना निकाले मुंह से। पहले की बात और थी, अब तो उसके सर पे निकाह का बम फोड़ दिया तुम लोगों ने। आई मेरा भाई कहाँ चला गया? दुआ ना करे कहीं गया हो भाई। तुम्हें क्या हो गया? इतनी बकवास करनी है ना तो कहीं और जाके करो, मेरे सामने ये बकवास मत करो। हाँ, मेरे भाई को भी मार दिया आप लोगों ने, मुझे भी मार दे, मैं भी मर जाऊंगी। रहती मरती भी रहो। हाँ गुड्डू बोलो। हेलो, तकरीबन हर जगह देख लिया लेकिन खालू का कुछ नहीं पता चला। अच्छा अच्छा सुनो फिर तू, हाँ तू वापस आ जा, मैं फिर चलती हूँ तेरे साथ, अस्पतालों में चेक कर लेते हैं। जी ठीक। मेरा भाई कहाँ चला गया? बस कर, ना मुसा को भी अल्लाह का वास्ता, चुप हो जा। बिखर रही है रोज शाम हवा में रेत की तरह, ये पहले थे न इस तरह, जो दर्द है नई तरह, क्यों सो रही है जिंदगी, क्यों अजनबी है जिंदगी, करार ही नहीं मिला हमें कहीं किसी तरह, ख्याल यार की तरह, ये दर्द रोज की तरह। आ गया गुड्डू। गुड्डू मुझे मुझे पता है तू आएगा। गुड्डू मैं घर भूल गया यार, कभी मैं इधर चला जाता था, कभी मैं उधर चला जाता था, घर भूल गया हूँ यार। मैंने सोचा मुझे गुड्डू आकर ले जाएगा तो मैं यहाँ बैठ गया, मैं घर भूल गया गुड्डू, मैं घर भूल गया। नए दुखों की नए मकान के रहने वाले हैं बेनिशान, दिखाई देता नहीं कोई, सुनाई देती है कहानियां, ये जिंदगी रहेंगी क्या इसी तरह, ख्याल यार की तरह, ये दर्द रोज की तरह। सारी प्लानिंग की वाट लग गई। और मम्मी जी के घर वालों ने क्या कहा? क्या कहना था, सब सकते में थे, और वो मम्मी जी क्या औरत है,
खड़े खड़े अपने अब्बू से घड़ी लेके मुझे सलामी की घड़ी बना दी। और तेरी अम्मी? मम्मी जी से ज्यादा मुझे अम्मी से डर लग रहा है। वो तो इंतजार करिए कब मैं उनके सामने आऊंगा और वो मेरा गला दबोच लेंगे। अभी भी पिछली दीवार कूद कर आए। मैं सामना नहीं कर सकता यार किसी का, कुछ करना। भाई सामना तो तुझे करना पड़ेगा, तू भाग कर जाएगा भी कहाँ? अपन लोग बैंक से लोन ले लेते हैं 50 लाख, हक मेहर मोमी के मुंह पे मानते हैं, जान छुड़ाते हैं उससे। अव्वल तो बैंक इतनी आसानी से लोन नहीं देता, और दूसरा तू उस बच्चे का क्या करेगा जिसका तू बाप बनने वाला है? आपने तो डरा ही दिया था मुझे। कैसे कैसे वहम और खदशात मेरे जहन में आ रहे थे। कह तो रहा हूँ तुम्हें, हवा खाने बैठ गया था नमाज के बाद। इतनी आसानी से तुम्हें छोड़कर जाने वाला नहीं। ये वही फिजूल ऐसी बातें ना किया करें। अल्लाह करे मेरी जिंदगी भी आपको लग जाए। अभी तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारी तो खुद ही नहीं पड़ गई। शरत को अल्लाह गारत करे। क्या कर दी, माँ होकर अल्लाह आपको बद्दुआ दे दी। और जो बेटी ने गुल खिलाए अल्लाह कर सत्यानाश हो उसका। बस अरे खा ले ना, नहीं, थोड़ा सा तो खा ले। इस निकाह का अंजाम क्या होगा? औलाद कोई गलती करे तो माँ बाप कोसने देकर दूर खड़े हो जाए। मुसर्रत आकिल है, बालिग है, उसके फैसले उसे करने दो। अब इस निकाह का क्या होगा? मुन्ना जाने और वो जाने। तुम उसे दुआ देकर ऊपर भेज दो। सर फट रहा जी, चिंता हो जा रहा सर फट फट के मेरा। ए गुड्डू रुको, किधर थे तुम इतनी देर से? कितनी आवाज़ें दी मैं तुम्हारे को? वो बशारत वाले को ढूंढने गया था, इशा की नमाज पढ़ने गए थे तो वापस नहीं आए। गए होंगे यहीं कहीं ढंड लाने को, आ गए ना। अब ज्यादा उनके खिदमत करने की जरूरत नहीं है। बोल दी मैं तुम्हारे को, नीचे वालों से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक तो बहुत गहरा हो गया है। उनके घर की बेटी आपके लाडले बेटे की बीवी। हाँ अब तुम भी बोल लो, दुनिया तो बोल रही है, दुनिया में तो थू थू करा दिया तुम्हारा भाई, अब तुम भी तंज कर लो, तंज के तीरा चला लो हमारे ऊपर। तंज नहीं कर रहा हूँ, आपको एहसास दिला रहा हूँ, जो कुछ हुआ उसमें इशारत थालो की कोई गलती नहीं। उनको भी दिलासे की जरूरत है। वो किसी से कुछ कह नहीं रहे लेकिन उनके लिए भी ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। जब तक उसको पिटाई नहीं करी ना अच्छी तरह से, बेलन से जूते से झाड़ू से, मेरे को चैन नहीं आने का, मेरे को आराम आएगा कि नहीं। अरे नहीं है मुन्ने भैया कमरे में। कहाँ गया? मैं बोली थी उसकी हरकतों पे नजर रखो, कहाँ जा रहा, किससे मिल रहा, देखो। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुन्ने भैया की हरकतों पर नजर रखने के लिए उनकी बीवी आ रही है। आने दो जरा, अगर उन्हें एक सीढ़ी चढ़ी इस घर की दहलीज छुई उन्हें अगर, देखो मैं उसके टांगा तोड़ के फेंकती हूँ। सुबह सूरज आने से पहले, देखो मैं बता रही हूँ पप्पू फुटू अच्छी तरह से सुन लो, मैं इन दोनों की तलाक करा के दम लूंगी। जाओ उसको बुला के लाओ, इधर दबाओ जी तालू में। अल्लाह इसके बाद चाय बना के लाओ, चाय पी के तो आराम आएगा जी। अल्लाह अब किसकी कॉल है? क्या चाहते?
देख मुन्ना, अब तुझे सब कुछ खुद फेस करना होगा। लेकिन अब क्या चाहती है? अपने शौहर से बात करना चाहती है। बात कर, बात कर मुन्ना, मैं कह रहा हूँ बात कर। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं आसिफ के पास। बात सुनो जरा, आसिफ के साथ ना उठना बैठना कम कर दो, समझ आइए, और दीदी को भी टाइम दिया करो। घर पहुँचो फौरन और मेरा सामान लेके ऊपर चलो। हैं? हैं क्या? मम्मी जी अभी अभी बहुत गुस्से में है, थोड़ा मामला ठंडा हो जाए फिर बात करते हैं ना इस बारे में। बात सुनो, मुझसे ना ज्यादा बातों की हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारी अम्मा का गुस्सा तो उनकी मैयत के गुस्ल के पानी के साथ ही ठंडा होगा। अल्लाह ना करे मम्मी जी, अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरी अम्मी को लंबी जिंदगी देगा। बहुत प्यार उमड़ के आ रहा है ना अपनी माँ के लिए, जल्दी घर आओ, सामान लेके जाने ऊपर। मम्मी जी सुबह तक का तो इंतजार कर ले, एक बार मेरे अम्मी के साथ सामना तो होने दे मम्मी जी। सुबह तक तो मैं अपना सामान खुद ऊपर लेके पहुंच जाऊंगी, तुम्हारा इंतजार कौन करेगा? अम्मी। हाँ। अम्मी कुछ खा लें, रात से आपने कुछ नहीं खाया। नहीं बेटा, मेरे हरस से निवाला नहीं कर रहे, ऐसी कैसी बातें बनी हैं? लोगों से सौ सौ बातें पूछे नहीं, मैं क्या जवाब दूँ? आप पता तो करें ना मम्मी क्या चाहती है। जो चाहती थी ना वो कर चुकी। अच्छा तो फिर वो नजमा आके से कहे ना कि बस छोटी सी तकरीब करके सादगी से रुखसत कर दे। मैं तो उसके पैर पकड़ने को तैयार हूँ, लेकिन वो तो मुंह में अंगारे चबा के बैठी हुई है, किसी की भी नहीं सुन रही। तुम्हारे अब्बू ने ये कह दिया कि इसको ऐसे ही भेज दो ऊपर, फिर ये जाने उसका शौहर जाने। अरे अम्मी ऐसा मत कीजिएगा, आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे? मोहल्ले के दो चार घरों में मिठाई बांट देते और कहेंगे कि सादगी से शादी हो गई। ये पता तो चले ना कि नजमा आके चाहती क्या, उनके इरादे क्या है। एक काम, तुम जाकर उनसे बात करो, उनको समझाओ नजमा को कि लड़ने झगड़ने का कोई फायदा नहीं है, अगर वो मान जाती है ना तो फिर हम हॉल बुक कर लेंगे और नए तरीके से रुखसत कर देंगे मोमी को। नहीं नहीं अम्मी, ये मोमी के किसी मामले में ना मैं नहीं पढ़ने वाली। आपको याद नहीं है बड़ियापा के इंतकाल का सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया था? तौबा तौबा, मैं नहीं ये करूँगी। और सुने, कुछ भी हो ना बातें उतनी ही होनी है, बस हम कह देंगे कि सादगी से ना जल्दी में शादी कर दी हमने, और नहीं तो क्या। पप्पा जान लड्डन चाचा को पूरी कहानी सुना चुके हैं, मैंने खुद अपने कानों से उनको फोन पे बात करते हुए सुना है, इतने चस्के ले लेकर बातें कर रहे थे। ये कहाँ है रुकैया की बच्ची, इसको बुलाओ, मैं जरा मुनव्वर के दिमाग ठिकाने लगा दूं। अम्मी किस किस का दिमाग दुरुस्त करेंगी, वैसे मोमी का मसला चल रहा है, पप्पी जान से लड़ाई करके एक और मसला खड़ा हो जाएगा। अच्छा चले कुछ खा लेना, दो मिनट बैठे ना सोचते हैं ना। अरे बैठ जाए ना, अरे मेरा बच्चा। हो गई गलती मुझसे, बताओ कैसे जान छुड़ानी इस मम्मी से, हो गई ना गलती। मुन्ने क्या बोल रहे तू, सच्ची में कर लिया तुम लोगों ने कहा? अल्लाह, मैं तो अभी तक समझ रही थी कि उन्हें झूठ बोल रही है। अरे खुदाया, अरे तू अपनी जिंदगी तबाह कर लिया, मुन्ने खत्म कर लिया तू अपनी जिंदगी, अब कुछ नहीं हो सकता।
मुन्ना मुन्ना मेरे सामान ऊपर लेके जाओ। हाँ ये उजाड़ सका, रुक उधर रुक, इधर आई, मैं इसको नहीं छोड़ती यार, मैं नहीं छोड़ती इसको, रुक किधर जा रही, अपना गलीज वजूद लेके ना जाओ वापस अपने घर। बस 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 अब तुम्हारे ना धमकी देने के दिन हो गए फुर हैं, अब तो जिंदगी भर तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना, सामान उठाओ ऊपर लेके जाओ चलो। अरे किधर 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 मुंह उठा के आ रहे हैं भाई, मेरा घर है ये, हटो तुम ऊपर जाओ चलो चलो। तुम्हारा घर कहाँ से आ गया, ये मेरे बाप का घर है। अच्छा देखो मैं तुम्हारे को बता दूँ, सीधी शराफत से तुम निकलो यहाँ से, उठाओ ये तुम हाथ से, तुम जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ यहाँ से, चलो अंदर जाओ। मैं कहाँ से जाऊंगी, पकड़ो तुम अपनी अम्मा को, नजर नहीं आ रही तुम्हें, मैं बात कर रही हूँ ना यहाँ मुन्ने की अम्मा बात कर रही हूँ मैं, चलो तुम यहाँ से जाओ, मैं नहीं मानती ये शादी को, चलो। बस अब तेरे धमकियों के दिन हो गए पूरे, अब तो मम्मी यही रहेगी। मुन्ना सामान उठाओ अंदर लेके जाओ। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, खबरदार जो तुम यहाँ मेरे घर के अंदर घुसे। यार क्या तमाशा लगाया हुआ है आप लोगों ने, हर वक्त लड़ाई झगड़ा चीखो पुकार, मुन्ना लेके जाओ यार अपनी बीवी को। लेकिन मैं खाली इसकी बीवी नहीं हूँ, तुम्हारी भाभी भी तो हूँ ना, और भाभी नहीं कहना भाभी माँ कहना। हाँ मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरे देवर मुझे भाभी माँ कह के बुलाए। और क्या क्या ख्वाहिशें हैं तुम्हारे, जरा सारे लिख के फहरिस्त बना के दे दो देवरों को। देखो मुन्ना तुम्हारी अम्मा मान गई कि ये सब मेरे देवर है, कितनी अच्छी बात है। अच्छा देवर जी अब एक काम करना, अच्छी सी ना अपनी भाभी के लिए तेज सजा देना, भाई देवरों का फर्ज होता है भाभी का कमरा सेट करना। हाँ और मुन्ना तुम जाके ना वो आसिफ के घर से शेरवानी ले आना, रात को मैं भी तेरे मन के तैयार हो जाऊंगी, कितना मजा आएगा ना। वैसे भी तुम्हारी अम्मा बारात लेकर तो आएंगी नहीं मेरे घर, और मुझे कोई ख्वाहिश भी नहीं है, अच्छा है मेरे अब्बा के पैसे बच जाएंगे। चलो चलो मुन्ना सामान उठाओ हम अंदर जाएंगे, और देवर अपना काम शुरू करो, चलो चलो उठाओ उठाओ। देख मैं मना कर रही हूं तेरे को, जल्दी चलो चलो आगे चलो, मैं तो मुन्ना की बीवी हूँ। अब क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ, अभी कोई रिश्ता नहीं हुआ, सब रिश्ते मैं आज तोड़ने के वास्ते आई हूँ, मेरी तरफ से पप्पू और बबली की मंगनी जो है वो खत्म समझो। ये दर्द रोज की तरह क्या बात है डॉक्टर अभी? आप खोई खोई भी क्यों? आप हंसती भी अच्छी लगती, खिलखिलाती। कैसे वैसे लोग बहुत खुद खर्च होते हैं, मेरी तरह नहीं होते, मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि लोग क्या कहेंगे, सब अपनी खुशियों को हासिल करना चाहते हैं, दूसरों की कोई परवाह नहीं होती है। क्या कहते हैं, किसी ने कुछ कहा है? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। वैसे आप कुछ छुपा रहे हैं, आपके दिल में ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन कहती नहीं। ठीक कह रहे हैं आप, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, सिर्फ मेरा दिल चाह रहा कि मैं उस मूवी की बच्ची को जाकर झुंझुनू और उससे पूछूं कि क्यों किया उसने ये सब। एक मिनट के लिए उसने अपनी बाकी बहनों का ख्याल नहीं किया, कितनी खुदगर्ज है वो, तो मैं यही सोचती रही कि आपको घर बुलाऊं ना बुलाऊं, अब बुलाऊं कब बुलाऊं, अबू पे क्या गुजरेगी, अबू क्या सोचेंगे। कई बार सोचा अबू से बात करूं, मैं सोचा नहीं नहीं अभी ठहर जाती हूं, कुछ देर और रुक जाती हूं, लेकिन मूवी की बच्ची वो तो सब कर गई और सबने कबूल भी कर लिया। तो आप भी बात कर लेंगे, मुझे भी सब कबूल कर लेंगे। ठीक कह रहे हैं आप, कबूल करना पड़ेगा, बस बहुत हो गया। चल कासम यार भाई, ऐसा सजाएंगे ना कमरे को, हमारे को एक दिन बाद तो वो लोग मोटर चलाए ना, हमको पानी नहीं लगा, अच्छा लगेगा नहाते नहाते निकल के आ गए, कमरा सजा हुआ होगा उस घर में। अयो 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 कल्लो परी किधर चले आ रहे हैं मुंह उठा के, क्या है ये घटिया पुला। ओ नजमा आंटी हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर घुसने का, वैसे भी कौन सा तुम्हारा घर हमारा घर है ये, हम सिर्फ अपनी बहन का कमरा सजाने आ रहे हैं, मोमी को बिल्कुल यकीन नहीं है कि उसके निखट्टू देवर उसके लिए कमरा सजाएंगे या कुछ भी करेंगे। करेंगे करेंगे, उसके देवर सब काम करेंगे, उसको बताओ लोग फारिग बैठे हुए हैं,
जब उसका जनाजा तैयार हो जाएगा ना तो यही देवरा ले जाके समंदर में गर्क कर देंगे। नजमा आंटी मेरे मुंह ना लगना समझ में आई है ना, और मोमी को आ लेने दो, वो बताएगी कि जनाजा उठता किसका है। बेबी ये तुम कल्ला चला रहे ना मेरे घर में आके, इसको जरा बंद रखो समझे, और ये फूला जो है ना बचा के रखो, तुम्हारी खबर से चढ़ाने को काम आएंगे। निकलो यहाँ से। वैसे कि फूला तो आपके जो अमेरिका जाने के साथ दफन हुए ना कब्र में, उस पे चढ़ाने के भी बड़े काम आएंगे फूला। अरे बेबी तू क्यों इस हैदराबाद के मुंह लगती है, चल हम अपना काम करते हैं। लंबो खासिम भी बोले जी, शराफत की जबान तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही क्या? हाँ लातों के भूत बातों से काम आते, अगर तुम एक कदम आगे बढ़ाए, ये देख रहे भाई पर इससे ही टांगा तोड़ूंगी तुम्हारे। टांगे तोड़ना उस मुन्ने की जिसने हमारी मासूम बहन को फंसा कर उससे शादी कर ली। क्या बोले, मुन्ना तुम्हारी बहन को फंसाया? अच्छा लतीफा बोले जी तुम, तुम्हारी जो बहन है ना ये नन्नी जो बन रही है, उन्हें मेरे बेटे को गुलाब जामुन निकले जैसा वैसा घुटक गई है। निकलो यहाँ से, जाओ बोल रही हूँ मैं, चलो। अनजमा आराम से, वैसे भी हमें कोई शौक नहीं है। ठीक है कोई नहीं, हम चले जाते हैं। चल कासिम, वैसे ना मम्मी देखेगी, मम्मी हिसाब बराबर करेगी। जिस घर पे तुम इतने सालों से कब्जा करके बैठी होगी ना, ऐसे निकालेगी वो ऐसे, और ढूंढती रह जाओगी पता, फिर भी ये घर नहीं मिलने वाला तुम्हें। हटा निकलो यहाँ से। एक रुक इधर, ये जो तो कल्ला चलाती ना मेरे ऊपर, एक थप्पड़ मार के ना यही निकाल दूंगी। मार थप्पड़ बजे, ये नहीं है बात करने की, चलो ये नहीं है बात करने की। सब खा रहा है तुम्हारे, निकलो निकलो, निकलो यहाँ से। जा रहे जा रहे, बड़ी आई घटिया लोग, घटिया दूसरों के घरों में कब्जा करने वाले। मेरी बात सुने, इस मसले का हल ऐसे नहीं निकलेगा, आप छोड़ दें मुन्ना को उसके हाल पे। मुन्ने का तो नाम ही नहीं लो मेरे सामने, गाड़ दी मैं उसको खबर में, मर गया मनुष्य मेरे लिए, ये गैरत। फिर ऐसे जज्बाती बातें करने का क्या फायदा है मुझे बताएं, मेरे ख्याल से मुन्ना को इधर ही छोड़ देते हैं, हम लोग कोई और किराएगा घर देके वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसे तो आपकी और मम्मी की। पप्पू हॉली समझे क्या मेरे को, तो खाली ढंडार घर छोड़ दे के उनके ऊपर चले जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, उसको निकालूंगी मैं, वो कमीनी को निकालूंगी। देखो तुम आप बशारत खालू क्या, उनके मुर्दे बाबा भी निकल के आ गए ना, उनको भी मेरे से घर खाली नहीं करा सकते। देखो तुम मैं कहीं नहीं जा रही। अच्छा ठीक है मेरी बात सुने, ऐसे लड़ाई झगड़ा भी मत करें, घर का माहौल खराब होता है। हाँ तुम एक काम करो, जो तुम दिन रात दरस देते रहते ना मेरे को, तुम ऐसा करो जाके तबलीग में शामिल हो जाओ, तबलीग ज्वाइन कर लो जी, तुम कुछ सवाब भी मिलेगा तुम्हारे को, थक गई मैं तुम्हारे हर वक्त के लेक्चरों से। देख अब वो मुझे कॉल कर रही है, तू चला जा यार, सुबह से यहीं बैठा हुआ है। जिंदगी खत्म हो गई मेरी, आखिरी बार देख ले अपने यार को, और ये सब तेरी वजह से हो रहा है, ना तू मुझे उस मूवी से निकाह करने का मशवरा देता, ना ही मैं यहाँ पूछता। अबे ओए ये जो तुझे बाप बनने की खबर मिली है ना, कह दे ये भी मेरी वजह से मिली है। मोमी और तू कमरे में पकड़े गए हैं, इसमें मेरा क्या कसूर? जी भाभी। हेलो पप्पू कहाँ हो तुम? मैं अम्मी के रूम में हूँ, क्यों खैरियत? पप्पू मुन्ना पता नहीं कहाँ चले गए, मैं कब से तैयार होके बैठी हूँ, तुम प्लीज मेरे साथ चलो ना, मुन्ना को ढूंढ के लाते हैं। अच्छा भाभी मैं आता हूँ। जल्दी आ जाओ बहुत देर हो गई है। आता हूँ। चला क्या मुन्ना? बशारत खालू मैं आज साफ साफ बात करने आई हूँ, देखो आप लोग मेरे को पागल समझे हुए हैं क्या? वहाँ मोमी जो है जो दिल चाहे करी है, ऊपर आके मेरे पास बैठ गई है, और मैं खामोश बैठ के तमाशा देख रही हूँ। अब क्या हुआ भाई? अरे भाभी जान होना क्या है, पागल हो गई है ये औरत तो, हमें चीखे चिल्लाए चली जा रही है। बब्बन खाला आप अच्छा पूछ रहे, क्या हुआ क्या होना बाकी रह गया? अच्छा उन्हें आके धरना दे दी, दुल्हन बन गई, कमरा सज गया, सब उसकी मर्जी से हो रहा। अरे मैं तो सोची थी
कि इतनी बड़ी खयामत घर में गुजर गई, आप लोग आएंगे मेरे पावा पड़ेंगे कि नजमा माफ कर दो, हमारी बेटी हमारा मुंह काला कर दी, अब तुम ही हमारी लाज रखो। मगर नहीं भाई, यहाँ तो मजे ऐसे बैठे में सब। चलो अब तो रिश्ता हो गया। कुछ नहीं हुआ, अभी कोई रिश्ता नहीं हुआ। सब रिश्ते मैं आज तोड़ने के वास्ते आई हूँ। मेरी तरफ से पप्पू और बबली की मंगनी जो है वो खत्म समझो। ये जो दिए थे ना आप लोग अंगूठी, वापस कर दी मैं। वैसे ही मैं बहुत दिल पे जबर करके ये रिश्ता करी थी। मैं कहाँ चाह रही थी बबली को दुल्हन बनाना, ये पप्पू से लगा हुआ था, इस वास्ते आके मैं ये मंगनी करी। खत्म है ये रिश्ता मेरी तरफ से। अरे ओ नजमा हैदराबादन, जबान संभाल के बात कर, नहीं तो गुस्से से जबान निकाल के ना तेरी हथेली पे रख दूंगी मैं। चल जा, हमारी तरफ से भी मंगनी खत्म। हाँ हाँ, यहाँ पे मंगनी रख लेने का किसको शौक है। रखो अपनी मंगनी, अपना रिश्ता, अपनी लड़की। हाँ बबन खाला, आपकी बेटियों को ये मंगनी के चौंचले की जरूरत ही क्या है। ये रखो जोड़ा मंगनी, आपकी बेटियां तो छुप छुप के निकाह करने में माहिर हैं। करो रखो, हटाओ यहाँ से। हाँ हाँ चलो फिर, निकलो निकलो, हमें भी नहीं रखना कोई रिश्ता विश्ता तुम लोगों से। पागल लोग, मुफ्त खोर कहीं के, पता नहीं क्या समझते अपने आप को। खस कम जहां पाक। पता नहीं है भी अंगूठी इसमें या नहीं है। नहीं। तू अब ऐसा कर, अब जा और अपनी नई जिंदगी शुरू कर मोमी जी के साथ। सारे दोस्तों की दुआएं तेरे साथ है मुन्ना, अब जा। ओ मार क्यों रहे? आइडिया देखे बहुत ही रहे। वाइस तेरे पैसों से शलवार ली थी यार। ये क्यों कट कर रहा है? पप्पू कितनी बेलें बजाए कोई आ ही नहीं रहा। कहाँ है पप्पू? आ जाएगा। क्या हुआ? वो दुल्हन बनी मोमी जी तेरे बाहर बाहर खड़ी है। वो यहाँ कैसे आ गई? वो भाई कहीं भी आ सकती है। तू जा मेरे घर से निकल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तेरे घर से, मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊँ? पागल हो गया तू यार? वो दरवाजा तोड़ देगी, मेरे घर में तमाशा नहीं कर, निकल जा मेरे घर से चल। तू उसको बोल रहा मुन्ना घर पे ही नहीं है। वो मुझे उठा कर ले जाए। हुई नहीं ना घर पे? नहीं वो मुझे हुई नहीं ना, यहाँ पे हुई नहीं। मुझे उठाकर ले जाएगी। मैं हुई नहीं ना, मेरे घर में तमाशा नहीं कर। मैं चला नहीं उसके साथ। मैं हुई नहीं। चला जा उसके साथ। अबू खटका कर मुन्ना। तुझे तो ना साले छोड़ूंगी नहीं मैं, काट दूंगी गला तेरा। ये भी क्या बात है कि करे कोई और भरे कोई,
वो मेरी फूल जैसी बेटी बबली, अब आप बताए उसका क्या कसूर? उसकी मन्नी तोड़ा के चली गई तो नजमा है ना, अल्लाह उसे समझेगा। अल्लाह मत कहो किसी को बुरा भला, मत कहो। जब फैसले इंसान के हाथ से निकल जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला के फैसले का इंतजार करना चाहिए। ये बताए अगर नजमा को ये करना था तो उसने फिर मेरी बच्ची की मंगनी क्यों तोड़वाई, क्यों बात खत्म करवाई उसने? अब क्या लोग यही कहेंगे ना कि पहले फूफी के घर से बात खत्म हुई उसके बाद मंगनी भी टूट गई। अरे नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा पापा, दुआ करो अल्लाह सब अच्छा कर देगा। उसी से तो उम्मीद लगाए बैठे हैं। या अल्लाह तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा गफूर रहीम है, तू रहम कर दे मेरे पर, वहां पे रहम कर दे, अपना करम फरमा दे। मां अपना इतबार बाजार का सड़ा हुआ सूट कभी ना खरीदूं, मैं अपनी कभी ना पहनाऊं अपनी बहन को मैं। और ये दो दो रुपए की नेल पॉलिश, ये दो कौड़ी की, ये शर्म करो नजमा, शर्म करो। आई हाय तौबा, ये लो मारो, कुछ नहीं चाहिए हमें। ए मक्कू चल 1000 रुपए निकाल चल। अरे कौन से 1000 रुपए, दिमाग ठिकाने नहीं है तुम्हारा? अरे क्यों, वो जो अब्बू ने सलामी में दिया था निकालो, कोई बदमाशी नहीं चलेगी, चल जरा निकालो निकालो। ओहो, ऐसी चीजें वापस नहीं देते, एक दफा आ गई हमारे पास आ गई, निकलो। 1000 रुपए निकाल बब्बू, 1000 रुपए निकाल। पहले ही मेरा कितना खर्चा हुआ, जाओ मैं और चीजें तोड़ना शुरू कर, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, करने दे कर कर। ऐसे के दर्द तुम्हारी नस में तोड़ दो, वो भी तोड़ दो, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। अभी तो सारी चीजें मैंने तुम्हारी गंदी गंदी चीजें वापस की है, चलो निकालो। आज तो पूरे निकल के आ गए सामने, बड़े छोटे की तमीज नहीं है तुम्हारे पास। ये मोटी मिली, इसको तो मारना, उठते लात बैठते लात देना इसको। क्या बोल रही मालूम, एक बार बाजार से लेके आई, एक बार बाजार से लाई मैं, करीमाबाद गए थे उस दिन याद है हम लोग, शटर गिरा हुआ था, शटर उठवा के पूरे 1700 का ही जोड़ा लाई, सिलवाई अलग में। पप्पू तू दिल छोटा नहीं कर, देख रोना नहीं। हाँ मैं बस नासिर के जवाब आने का इंतजार करना है अपन को, हो गया सब। क्या मतलब? मतलब क्या, अपना मुन्ना तो उसको मुर्दा जाओ, इन्हें खबर में हो जोड़ो जाके, उन्हें तो मेरा मुँह काला कर दिया। अब तो है नासिर की बेटी से तुम्हारी शादी करूंगी मैं। बबली तेरे पास टेप है, पप्पू से छीन के लाई हूँ ये 1000 रुपए, एक एक चीज मुंह पे देके मारी उस नजमा के मैंने। तुझे क्या हुआ है, क्यों इतनी चुपचाप बैठी हुई उदास गुमसुम? अच्छा हुआ तेरी पप्पू से जान छुटी, मनहूस मारा। तू क्यों बड़ी बन रही है बेबी, किस हैसियत से सारा सामान वापस कर रही है? अम्मी अबू है ना, वो सामान लेंगे। हाँ तो हमारे अम्मी अबू सीधे है तो होने लगा कि वो कुछ भी कर जाएंगे। हिम्मत कैसे हुई उनकी मंगनी तोड़ने की, क्या समझते क्या है अपने आप को? वो मंगनी तोड़ेंगे हमारे घर में रह के, हमसे मंगनी तोड़ेंगे ऐसी की तैसी उनकी। तू मेरे दिल का हाल पूछेगी कि मुझ पर क्या गुजर रही है? मैं कोई गुड़िया हूँ? एक दिन हाथ पकड़ के उधर उछाल दिया तो दूसरे दिन उधर उछाल दिया, तो मेरे ऊपर क्यों चीख रही है? है? जाके गुस्सा उतारना तो नजमा पे उतारती ना, जो तुझे इधर उधर किए जा रही थी। मुझे तो तेरा भूख पीने का कि जाके चीजें दे आऊं, तो मैं दे आई, ये ले आओ। बिखर रही है रोज़ो शाम हवा में रेत की तरह, ये पहले थे न इस तरह, जो दर्द है नई तरह। मैं सब प्लानिंग करके बैठी हूँ, देखो अपनी प्लानिंग ना आप अपने पास ही रखें अम्मी, आपकी इज्जत की खातिर में बलि का बकरा नहीं बन सकता। हमारे तो बाबा भी बनेंगे, उन्हें तो आप पहले ही बना चुकी, इसीलिए वो इस दुनिया से इतनी जल्दी चले गए। हर वक्त लड़ते रहते थे आप उनसे, किन सोचों में थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ? बोल लिए तुम या और कोई जहर उगलना बाकी है अम्मा के खिलाफ? बोल दो वो भी आज। सयुम तुम कैसे चले गए जी यहाँ मेरे को छोड़ के? इस दिन के लिए मैं तुम लोगों को इतना बड़ा करी थी, अपना पेट काट काट के तुम लोगों को बड़ा करी ना मैं? सयुम तुम
कैसी औलाद दी है मेरे को ये, देखो जरा। इससे तो अच्छा था मैं उसी वक्त तुम लोगों को गली में आवारा कुत्तों की तरह छोड़ देती, भीख मांगते फिरते तुम लोग भी, और मैं अपनी शादी कर लेती। मेरे को काय को सुना रहे हो आप? उसे सुनाओ ना जो कमरे में अपनी दुल्हन के साथ बंद है मी, नाफरमानी उन्होंने की आपकी, आपने उसके गुस्से में मेरी मंगनी खत्म कर दी, ये कहां का इंसाफ है? चीखो चीखो बेटा, बहुत चीखो, जोर से चीखो और चार लोगों में आवाज ना जाना अम्मा बेटा लड़ लेने बोल के, चीखो तुम अच्छी तरह, बल्कि चीखते काहे को, सीधा सीधा छुरी लाओ बॉर्चखाने से, मार के मेरे को खत्म कर दो ना। देख रही हूँ मैं सबके हाल, ये बड़े बड़े आवाजें निकालते अम्मा के ऊपर, चले जाती हूँ मैं खबर में, सो जाती हूँ जाके खबर में, मेरी चादर नहीं चढ़ाना, खर्चा नहीं करना तुम, वो सारे फूल जो है ना अपनी दुल्हन के वास्ते रख लो, जाओ। ऐसी बातें ना करें, ऐसी बातें करूंगी मैं, यही करूंगी मैं। कोई कोई मेरी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं छोड़े तुम लोग मेरे को। सॉरी मम्मी, सॉरी। सब बातें करके सॉरी करते तुम लोग, जहर लग रहे मेरे को, हटो यहाँ से। एक को मैं रो ली, एक मर गया मेरे लिए, तुम्हारे को भी रो लूंगी, खत्म हो गए तुम मेरे लिए। नहीं रोना, नहीं रोना, नहीं रोते भी नहीं देख सकता ना,